नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा शहर के प्रमुख चौराहे स्टेचू चौराहे में को जाम से मुक्त दिलाने ट्रैफिक पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। अतिक्रमण की यह कार्रवाई कितनी कारगर होगी, इसके चलते हमने ट्रैफिक टीम से बात की। रीवा शहर के प्रमुख चौराहे स्टैचू चौराहे को जाम से मुक्ति दिलाने ट्रैफिक पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। अतिक्रमण की यह कार्रवाई कितनी कारगर होगी, इसके चलते हमने ट्रैफिक टीम से बात की। मौके पर हमारी टीम मौजूद थी। टीम ने देखा सड़क के दोनों ओर पटरी पर दुकानदार काफी हद तक आगे आ गए थे, जिसकी वजह से साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो खड़ी करने की जगह पर उनकी दुकानें लगी हुई थी। माना जा सकता है अगर इतनी जगह खाली हो गई तो निश्चित रूप से रोज लगने वाले जाम में काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है रीवा शहर के लोगों को। सब शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार स्टैचू चौराहे के आसपास। न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार स्टैचू चौराहे में। 24 घंटे यहां पर जाम की स्थिति रहती है। रीवा की ट्रैफिक पुलिस ने आज ये तय किया है कि यहां से हम जाम कम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ट्रैफिक के दो जिम्मेदार लोग मौजूद हैं जो आज इस सड़क को चौड़ी करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश जी से। अखिलेश जी, ये कदम क्यों? देखिए, लगभग अपन देखते हैं मंडे के दिन सभी ऑफिस खुलते हैं, तो ये इस रोड पे बहुत ज्यादा रश रहता है, इसलिए आज हमने ऐसा तय किया है कि एक अस्पताल चौराहे से एक डायवर्सन पॉइंट लगाए हुए ऑटो डाइवर्ट रहेंगे सीबी प्लाजा की तरफ, तो इसमें रश कम होगा। दूसरा, जो दुकानदारों ने जयस्तम से लेकर अस्पताल तिराहे तक दुकानदारों ने रोड पर अतिक्रमण कर रखा है, सामान रख रखा है, उसको उठाया, उसको हटवाया है और हिदायत दी है दोबारा नहीं करेंगे। ये बड़ी बात है, सड़क के किनारे जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था तो यहाँ पर ट्रैफिक में कंट्रोल हो जाएगा। अंजलि जी, स्टैचू चौराहे में हमेशा जाम की स्थिति, इस कदम के बाद से क्या ये माना जाए कि थोड़ा सा रीवा शहर की जनता को आराम मिलेगा? जी बिल्कुल, आराम मिलेगा। हमारा यही प्रयास है ट्रैफिक पुलिस का कि हमारी रीवा की पब्लिक बिना जाम के आसानी से सड़कों पर भ्रमण कर सके, आराम से उनको पार्किंग करने का एरिया प्राप्त हो। हमारा जो ये कदम रखा गया है तो मोस्टली टू व्हीलर जिनके लिए पार्किंग की सुविधा नहीं होती है उनके लिए हम ये सुविधा बना रहे हैं कि जिन भी दुकानों से उनको सामान लेना है सामने अपनी गाड़ी सुरक्षित पार्क करके सामान ले, सामने दुकान के बाहर गाड़ी सुरक्षित कर दे, उसके बाद सामान ले लें, निश्चित रूप से सड़क में जाम की स्थिति से छुटकारा मिले। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।